नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। बिहार के पश्चिमी चंपारण से जहां जनायक कर्पूरी विचार मंच द्वारा वाल्मीकि नगर के सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के जन्मदिन के अवसर पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का डॉक्टरों ने जांच कर इलाज किया। मंच द्वारा मरीजों को दवा भी निशुल्क दी गई। वहीं स्वास्थ्य शिविर में कर्पूरी विचार मंच के संयोजक सुनील कुमार, वाल्मीकि नगर सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो, जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मुन्ना सराफ और किसान प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव मुरली मनोहर गुप्ता, जिला महासचिव अफरोज आलम एवं पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। 3,63,000 अंतर के वोट से मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को चुनाव जीता है। पूरे इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जब विकास का काम होगा, हर घर में शौचालय बनेगा। जेसीआई ग्वालियर तेजस्विनी के द्वारा जेजे विग विक के अंतर्गत दूसरे दिन जाय ऑफ गिविंग डे के तहत जेसीआई ग्वालियर तेजस्विनी की जूनियर विग की तरफ से बच्चों को खाद्य सामग्री फ्रूटी एंड बिस्किट का वितरण किया गया और एक छोटी बच्ची भूमिका परमार का बर्थडे केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। इस कार्यक्रम में जेजे विग प्रेसिडेंट चेतन गुप्ता जी और सेक्रेटरी संस्कृति गुप्ता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ग्वालियर से अनुप पांडे की रिपोर्ट। रमजान त्योहार के पावन पर्व पर रविवार को पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन द्वारा रोजा अफ्तार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाइयों के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक श्री जैन द्वारा रमजान के पावन महीने में इतनी भीषण गर्मी में अनवरत 25 वर्ष जिसमें रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया। श्री जैन ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। गंज वासौदा से एलन चौबे की रिपोर्ट। 23 रोजा आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कठिन उपवास के बाद, सूर्यास्त के बाद मुस्लिम समाज के हमारे भाई रोजा खोलते हैं। चूंकि हमारी ओर से, हमारे साथियों की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से पिछले 25 सालों से रोजा अफ्तार का कार्यक्रम कराया जा रहा है और उसी के तहत आज रोजा अफ्तार का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के सभी लोग उपस्थित हुए। मेरा कांग्रेस पार्टी की ओर से और उन सभी हमारे साथियों की ओर से सबको रोजे की बहुत बहुत मुबारक। खंडवा पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार जिला कलेक्टर का स्थानांतरण होने से नवागत कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल ने चार्ज संभाला और इस मौके पर क्षेत्र की जनता ने उन्हें बधाई दी। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। खंडवा शहर में ईद को लेकर प्रमुख बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर की जगह शाम को लोग ईद की खरीदारी के लिए मार्केट आ रहे हैं। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।